भाई ये बारिश बहुत तेज हो रही थी यहाँ पर, और भाई देख रहे हो बंदे कैसे रुके पड़े हैं। ये सारे जन्माष्टमी भी है और ये लोग शिव जी की कांवड़ वाले कुछ हैं वो लेके जा रहे हैं। ये हम लोग ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पर। बारिश इतनी तेज हो रही थी हम पूरे भीग गए, देख रहे हो भाई ये देखो ये जूते वूते हमारे और पूरे भीग गए यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ से निकल रहे हैं, करीब आधा एक घंटा में यहाँ पर रुके हो गया, आधा घंटे के आसपास हम किसी एक ब्रिज के नीचे रुके आ रहे हो। अच्छा 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 तो भाई ये लोग जन्मभूमि से वापस आ रहे हैं। ताजमहल की लुक का नहीं लग रहा, जा रहे हैं सोनरल सैनिक आर्मी की बस में। भाई इनका ड्रेस बहुत अच्छा लगता है यार, सल्यूट इंडियन आर्मी। मैं भी गया था, मेरे पास भी है कैंपले वाली पैंट। मथुरा में बोलते पुलिस वाले आप तो फौजी बने हुए हो, फौजियों की अलग से रिस्पेक्ट है हमारे देश में। भाई देश को प्रोटेक्ट करते रिस्पेक्ट तो बनती है। भाई व्यू देखो कितने प्यारे आ रहे हैं भाई, खेत है पूरा। पता नहीं गोप्रो में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता। अब हमारी बाइक भी रिजर्व में चली गई, पेट्रोल भरवाएंगे आगे चलते। ये देखो भाई अल्टीमेट व्यू आ रहे हैं यहाँ से, ये चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी। दिल्ली जो रह गया 174 रह गया, हमने करीब 26 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला दी है। आगरा से जो मथुरा है वो 51 किलोमीटर के अराउंड है। ये जियो का पेट्रोल पम्प है, ये दिल्ली में देखने को नहीं मिलते शायद, ज़्यादा मैंने नहीं देखे। पर यूपी आप या कहीं दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे जियो के पेट्रोल को। मथुरा 29 रह गया और दिल्ली है 168। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना यार जन्माष्टमी भी है, क्यों ना आज मथुरा के स्टॉपेज लेंगे कोई हाईवे पर। कल हम मथुरा आए थे, आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट में आप लोग। ओ भाई पूरी सेना जा रही है, स्मारक राधे राधे। मथुरा में लोग ना राधे राधे बोलते हैं, अगर हमसे कहोगे नमस्ते तो वो कहते राधे राधे। आज का मतलब आगरा से जब निकले हैं तो पहला टोल आया यहाँ पर। यहाँ पर एक फ़ायदे हैं कि यहाँ पर टोल नहीं लगता बाइक का, जबकि यमुना एक्सप्रेस वे पे आए थे हम जब कल, तो वहाँ पे हमें टोल देना पड़ा था अपना, और यहाँ पर हमें टोल नहीं देना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा जो यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी कैमरे में लगे हुए कितने बड़े बड़े हैं लोगों ने। हमारा लड़का चाय पीना चाहता है, किधर चाय पिलाऊं भाई। हम यहाँ पर हैं और हम आ चुके हैं ये पहले टोल के बाद, और हमारी आंखों के अंदर नींद का तांडव हो रहा है, नींद आ गई मुझे बहुत ज़्यादा। भाई मैंने 2 रुपए का पाली जी खाया, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें 2 रुपए का पाली जी खाया बताना यार। और आज हम पाली जी खाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से चाय पी के निकलेंगे, ठीक है, इलायची वाली चाय। भाई हम लोग अब सोच रहे हैं यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि अब पेट्रोल डालना ज़रूरी है। ये तो बन रहा है भाई, भाई ये तो बन रहा है भाई, श्री कृष्ण सरोवर बाद 155 किलोमीटर दिल्ली रह गया यहाँ से, बट अंधेरा आ गया था इधर। चलो यार कुछ तो लाइट दिख रही है, मथुरा आने वाला हाँ कुछ ही देर में। और फिर हम लोग मथुरा में पीछे चाय पी लिए, फिर हम सोचा था मथुरा रुकेंगे, हम सोच रहे थोड़ा चला लेते हैं आगे फिर कहीं रुकते हैं किसी एक अच्छे से ढाबे पर। देखो क्या पानी भरा पड़ा है आज भाई आगरा में। जैसे ही हम निकले ताजमहल से मतलब आगरा से 1-2 बजे के आसपास, तो फिर रास्ते में आ गए गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के अंदर गए एकदम बारिश होने लग गई। फिर हम अंदर गए, हाथ जोड़े, मत्था टेका, प्रसाद चखा, रेस किया। भाई इतनी तेज़ बारिश हुई, करीब 1-1.5-2 घंटे होती रही। और फिर हम वहाँ से निकले करीब 5 बजे के अराउंड निकले हम वहाँ से। फिर एक दो चीज़ें और देखने चले गए हम, थोड़ा टाइम लग गया। अभी दिल्ली दिखा रहा है करीब वही 11-12 बजे के आसपास पहुँचेंगे दिल्ली। 188 क्यों दिखा रहा है जबकि दिल्ली 188 तो है नहीं। भाई पानी भरा पड़ा देखो यहाँ पर, तो भाई इंडिया में पानी की बहुत समस्या है, हर जगह पानी के गड्ढे, बारिश,
सीवर का बहुत है प्रॉब्लम, इस पर काम करना चाहिए। इस पर काम होगा तो फिर नाम होगा और बंदा परेशान ना होगा। स्किन एंड एलर्जी क्लिनिक भाई, यहाँ पे हमने फ़ोटो खींच चुके, याद है? ओ भाई, ये भी गुरुद्वारा लग रहा बाबू। जय गुरुदेव। ताज महल की लुक नहीं लग रहा तो बनाई है। भाई क्या गुरुद्वारा लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा हो? ओ भाई भीड़ देख रहे हो भाई? जय गुरुदेव। कुछ गुरुद्वारा नहीं है? अच्छा मंदिर है, नाम योग साधना मंदिर, ये मंदिर है भाई। जय गुरुदेव टेंपल नाम है इसका भाई। बहुत सुंदर बना रखा है ना, मार्बल लगा रखी है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हटना भाई, इसके अंदर जाने का रास्ता लग रहा बाबू ऊपर हैं। हमारे मोबाइल में दिखा रहा है दिल्ली 178 किलोमीटर, दिखा रहा है दिल्ली 144 किलोमीटर, ऐसा क्यों भाई? ये क्या स्कैम है भाई? मथुरा वगैरह भी ना है भाई, मथुरा आ गए हो? ये मथुरा से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर। यार मैं पेट्रोल भी डलवाना था, चलो कोई नहीं आगे डलवाएंगे पेट्रोल, बाकी हमारी गाड़ी रिजर्व में चल रही है। भाई देख रहा भीड़ भाई, बसें की बसें भरी पड़ी हैं भाई, इधर भी इधर देखो भाई भीड़, ये तो बाहर है, देख रहा भीड़ है, भंडारा चल रहा है यहाँ, भीड़ देख रहा हो भाई, भीड़ भाई, बसों की बसें लगी हैं, देख रहे हो भाई ना, बसों की बसें भाई खड़ी हैं इधर से लाइन से हैं बाबू। सर्विस लेन तो बसों से भर दी। हाँ सर्विस, मैं कहता रहा हूँ पूरी सर्विस लेन बसों से भरी है। यहाँ से घुसूँ किधर से घुसूँ? चलो आगे डलवाते हैं, यहाँ भीड़ बक्का बहुत है इसलिए आगे करवाएंगे। भाई क्या भीड़ है यार, ओ भाई, मतलब जन्माष्टमी में जबकि मथुरा से ये लौट रहे हैं, लग रहा है अभी ना ये जा रहे हैं, लौट रहे हैं ये जा रहे हैं। अच्छा मथुरा जन्मभूमि आ गया है कहीं, इनसे पूछते हैं। आप लोग जन्मभूमि जा रहे हो? जन्मभूमि जा रहे हो? आ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये लोग जन्मभूमि से वापस आ रहे हैं और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। जन्मभूमि शायद यहाँ से दिख रही है, शायद वही है कोई और, अभी मैंने हाँ ट्रक रख बहुत हैं भाई, आप दिख रही है वो, लग रही है मेरी जन्मभूमि, देख ऐसी लाइटें लगी उधर शायद है ना, दिख रही भाई भाई जन्मभूमि है ना वो, वो जन्मभूमि दिख रही है ना, वही है ना भाई, दर्शन होगा यहाँ से भी। बाकी कल हम आए थे, ओ भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाई तेल डलवा ली गाड़ी में और ये मैं एक्स्ट्रा चाबी कैरी कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना बाबा चाबी निकालो बाबा लगाओ, तो मैंने कुछ चाबी भी मैं एक्स्ट्रा बनवा ली थी। लो मेरा तो भैया हमने पेट्रोल तो डलवा लिया और भाई 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 और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग भाई, ये लोग पूरे मज़े ले रहे हैं भाई, ये देख रहे हो भाई ट्रैक्टर को फुल मॉडिफाई करा रखा है उन्होंने, ट्रैक्टर में फुल मॉडिफाई है, लाइटिंग आइटिंग हैं इन लोगों ने, टी शर्ट भी एक जैसी सिर सिर क्या कर रहे हैं, क्या है ये है क्या जो पास कर रहे हैं, डाक है? डाक मतलब
कहाँ से? किनको? कहाँ पे? समझा, एक्सप्लेन करो, समझ नहीं पा रहा मैं। मतलब ये लोग भाग भाग के डाक कावड़ कहते हैं, पास करते हैं। ये कब मनाई जाती है? सावन के महीने में। तो ये डाक का मतलब है शिव जी को आमंत्रण, निमंत्रण। अच्छा अच्छा, तो ये डाक है सिस्टम भाई। कितने बढ़िया ढाबे हैं भाई, खटियाँ बिछी हुई हैं आस पर। आओ भाई लेट जाओ, मुझे ऐसे ढाबे अच्छे लगते हैं। मुझे ढाबे पे पता क्या दिखाई देता है? ढाबा भाई कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, बस में खटिया हो जाए, बस एक गर्म चाय की प्याली हो और एक खटिया हो, बस मेरे लिए वही बेस्ट ढाबा है। भागते हुए ले जाते हैं, फिर ये पकड़ेगा यहाँ से। ओ भाई, ये भाई भागेगा बहुत तेज। उधर एक बंदा वेट कर रहा होगा, है ना? और फिर ये लेगा, ये से भागते जाएगा, नंगे पैर भागना है। अच्छा भाई, ये है तो यहाँ कुल्लड़ चाय मिल रही है। और भाई हमारे देश में बहुत श्रद्धा है, और हमारा यूथ जो है वो काफ़ी श्रद्धालु भी है और एनर्जेटिक भी है। और ये वृंदावन का एरिया आ गया है, यहाँ वृंदावन लिखा हुआ था। भैया लाइट भी जल रही है आगे, मुझे लग रहा है प्रेम मंदिर आगे शायद। ये डीजे वाले हैं, डीजे वाले ट्रक पे लगाए हुए हैं। भाई लाइट देखो, क्या माल भयानक लाइट लगा रखी है भाई। कॉपीराइट बहुत है आजकल। सोनीपत का मशहूर सुखदेव ढाबा बताओ। ओ भाई कैसे आप लोग? तो भाई अभी हमने करीब 100 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, और एक्चुअली ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई रात में। अभी मैं डेटा ट्रांसफर करता रहा, सुबह ताजमहल गया, इतनी ज़्यादा थकान हो गई, भागा थोड़ी। फिर हाँ थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स मिला मुझे जब हम गुरुद्वारा गए, पर नींद मेरी पूरी नहीं हुई प्रॉपर। उस चक्कर में ना मुझे नींद सी आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर 40-50 किलोमीटर पे मैं एक स्टॉपेज लूँगा, जिससे क्या होगा थोड़ा सा नींद बाकी रहेगी। अरे चाय मंगाई है हमने, एक नंबर भाई, चाय तो होनी चाहिए कुल्हड़ में। तो हम लोग ना अब क्या करेंगे, यहाँ से चाय पी के निकलते हैं और सफ़र का मज़ा लीजिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए भाई ठीक है। NH पे ये चीज़ अच्छी है कि रात में आपको नींद नहीं आएगी। एक तो आपको रोड तो अच्छी है, बहुत बढ़िया प्यारी है, बीच में गड्ढे मिलते हैं, और ये यहाँ पे झंडे लगा रखे हैं इस तरह से, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। ये जो खंभे बना रखे हैं उन्होंने, गुलशन ढाबा, रॉयल किंग ढाबा भी पीछे निकला है एक ढाबा, जिसका नाम है असली पप्पू ढाबा। भाई ज़्यादातर ढाबे यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, मूर्थल वाले ढाबे दिखाई दे रहे हैं। भाई लाइटिंग देखो बंदे ने कितनी एक नंबर कर रखी है, कितने सारे बल्ब लगा रखे हैं भाई। लाइटिंग होनी चाहिए ऐसी, हाँ ना? नीलकमल ढाबा, मूर्थल की वाइब नहीं आ रही यहाँ, मूर्थल तो नहीं आ गए बाबू। भाई झूले वूले लगे पड़े भाई, क्या भाई तरीके से बना रखा, नहीं ढाबा बहुत सही तरीके का, ऐसी ढाबे पसंद करता हूँ, खोले खोले ओपन। भाई भाई यूपी में अभी तो हल्के में, मतलब यूपी को समझ रही हो? नहीं यूपी को हल्के में मतलब अच्छे ढाबे बना रखे इन्हें भी, नहीं
चलो भाई हमारा 500 मीटर टोल है। मुझे लगता है यूपी डेवलप तो हो गया काफ़ी। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो भाई आज हम लोग फिर से यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब ये शायद दूसरा टोल है मेरा, दूसरा टोल है ना ये। हाँ। दूसरा टोल है आगरा से हम जो आए। भाई रौनक इतनी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ऐसे लग रहा है मूर्थल जैसी रौनक, बहुत एक नंबर भाई। आगरा वाला जो ये एनएच है ना, ये एनएच 19 है। पर लिखा तो होता जब हरियाणा एंटर करते, लिखा होता है वेलकम टू हरियाणा। अच्छा लिखा था, ये लाइन लिखी थी भाई। क्या ढाबे में कह रहा हूँ, क्या ढाबे हैं भाई। और वाह पेट्रोल पंप और ढाबों की तो ऐसे लाइन लगी हुई है कि समझ रहे मेरी बात, हर 100 मीटर पे पेट्रोल पंप मिल जाता है बाबू। हैं इधर नहीं मिलेगा तो इधर मिल जाएगा। और कुछ जगहें तो ऐसी हैं बाबू, एक सौ एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार पेट्रोल पंप हैं एक साथ लाइन से। नोट करना कभी, देखो पेट्रोल पंप आ गया फिर से, अभी एक आया फिर दूसरा आ गया, 100 मीटर नहीं हुआ है। पेट्रोल तो बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत है बाबू, जात बाबू 30-35 से पैंतीस, देखो 1000 का पड़वाए थे 1020, बहुत होता है 1020 का, 200 किलोमीटर ही तो है बाबू। एक और पेट्रोल पंप आ गया देखो जियो का है। तो हमें जाना है दिल्ली, तो पलबल होते हुए जाएंगे। ये रास्ता जो जा रहा है इधर की तरफ, ये मानेश्वर जा रहा है, मानेश्वर, और ये पलबल की तरफ जा रहा है। हाँ 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 तो भाई देखिए सामने मैप दिया हुआ पूरा। गाज़ियाबाद जो यहाँ से है वो 93 किलोमीटर रह गया है। मेरठ जो है वो करीब समझ में नहीं आ रहा, हरिद्वार 260 से देहरादून 310, चंडीगढ़ 351, शिमला भी जा रहा है वो रास्ता है। दिल्ली के लिए रोड रोड मैपिंग इतनी बढ़िया कर रखी है, सही बता रहा हूँ बाबू। अब हमें नहीं, हमें लगता है हम लोग ऐसे देख के जा सकते दिल्ली। हाँ यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मैपिंग है दिल्ली की, नहीं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इधर है, लघु मिनी सेक्रेटरी दिल्ली 64, देख रहा हूँ दिल्ली की बहुत अच्छी मैपिंग कर रखी नहीं है भाई। देखो कितना बड़ा बोर्ड लगा दिल्ली के लिए स्पेशल NH2, ठीक है सीधा दिल्ली जा रहा हूँ वो सीधा है ना दिल्ली कैप। कैपिटल है ना तो इसकी काफ़ी अच्छी मैपिंग कर रखी हो, सीधे हाईवे निकले रहेगा। यू आर राइट भाई, क्या प्यारी रोड है, देखना भाई पूरा ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं हम लोग पूरा ऐसे करके समझे। ये ट्रक वाला भाई भाई ये तो साइड ही नहीं दे रहा ट्रक वाला, इसको जाने तो फोर व्हीलर वाले को, इनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है। इतनी पीछे से गाड़ियाँ खड़ी हैं देख रहे हो अभी ना, 500 मीटर से गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो भाई आज का ये चौथा टोल है, और भाई देखो टोल कितना बड़ा है यार, मतलब कितने एरिया फैला हुआ है, और ये चौथा टोल है आज का, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, ये देखो भाई टोल की वाइब ये लगे बाबू, नहीं मानते हो क्या।
चाय पीने में भाई जो मजा आई है वाला बात है ना, वो यहीं आती है भाई। भीड़ भाड़ हो रही है इधर काफ़ी, चाय पी के मजा। और 10 रुपए की चाय मिलती है भाई, ये भी देखो बाहर बैठोगे ना तो 20 की चाय देंगे, 10 की मिलेगी। चाय यहाँ नहीं होगी आई थिंक। चाय चाय चाय। तो भाई ये NH 44 सामने है और ये चौथा हाईवे है आगरा से। अब हम आ गए हैं यहाँ पे NH 44 के पास बैठे हुए। हमने सोचा कि उन्हें थोड़ी आँख भी मतलब देखे भाई, नींद तो मेरा गला उसका ख़राब हो रहा है। तुम्हारे यहाँ को मन से करी चप्पल, ये अच्छी चीज़ है चप्पल में देखा ना, ये जो ग्रुप्स है ना एक्यूपंचर के पॉइंट्स क्रॉक्स में वो यहाँ चाहिए हो रही है। इससे ना तुम्हें वो नहीं होगी पैर के अंदर सुन नहीं होती, सुन नहीं पड़ेंगे होता नहीं, जैसे जैसे जन्नाटा पड़ने लग जाता है वो नहीं होंगे। मेरे को ये कंफर्टेबल बहुत लगा। तो भैया चाय मंगा ली हमने, देखो चाय हमारा क्या है, चाय सुगरलेस पीते हैं, बिस्किट में चीनी खाते हैं। चाय में टिक करने का, उसके बाद उसको उठाने का, हाँ कुएं लेने का, अब उसके बाद हम लोग चाय पी लेते हैं। और जो टाइम दिखा रहा है पहुँचने का 11:30 के आसपास बोल रहा है, 11:30-12 बजे तक। गाड़ी हमारी एक नंबर चल रही है, चैन में हमने चैन लूप कर लिया था जब निकले थे। देखो भाई चाय का असली मजा तो भाई टोल पर है, समझे, असली टपरी टोल है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी आँखें थोड़ी सी बंद हो रही थी, थोड़ी सी खुल गई हैं, नींद आती है तो हम लोग चाय पी लेते हैं। ठीक है भाई, अब लोग आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलो भाई ठीक है, लोग भाई अभी चाय पिए, थोड़ा फ्रेश हो गए। भाई चाय से बता रहा हूँ, अगर नींद खोलनी है, टेक्निकली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, गाड़ी को ना टोल के पास रोको। सबसे बड़ी बात लाइटिंग बहुत अच्छी है वहाँ पर, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें स्लीपिंग हार्मोन जैसे कहते हैं, ठीक है, वो आपका पूरा किल कर देगा एक तरीके से। ब्रेन को ऐसा लगेगा कि भाई अभी सुबह होने वाली है, आसपास का क्राउड इतना बढ़िया है, फिर आप चाय पियोगे, फिर लोग मिल जाएंगे आपसे बात करने के लिए, अपने आप ही कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा और आप भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए कि आप स्लीपी फील कर रहे थे। तो ये सबसे बेस्ट बता रहा हूँ तरीका आपको अपनी नींद भगाने का, टोल पर पटरी इतने एक नंबर होती है भाई, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझे, ये बोलो, सोचो, याद रखो कि आप ना इन्जॉय करने आए हो बस, ये भूल जाओ कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, ये भूल जाओ कि लोग क्या सोचेंगे, ये भूल जाओ कि यार थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और सही बताता हूँ, ये आपको आपके उस कंफर्ट से ना आपको अल्टीमेट एक एक्सपीरियंस कराएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होगा भाई, डिफरेंट होगा, मज़ा आ जाएगा। मैं भी ना पहले जाता था, मैं रुकता था, अभी भी रुकता हूँ ऐसा नहीं है, पर अगर मुझे चाय पीनी होती है ना, एक नंबर चाय देते हैं भाई सबसे पहली बात, और इतनी तुरंत बोलो तुरंत चाय रेडी मिल जाती है, क्योंकि इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, इनके तुरंत बंदे चाय पीने आते हैं, और टोल के पास बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट होता है। चलो भाई अब चल रहे हैं हम लोग, सीकरी पहुंचने वाले हैं, और दिल्ली यहाँ से कुछ नहीं कुछ आई थिंक 40 से 50 किलोमीटर रह गया, ये दिल्ली आ गया, करीब 50 के आसपास है, भानकपुर है ना ऐसे करके कुछ। चलो भाई, भाई ये बारिश बहुत तेज़ हो रही थी यहाँ पर, और भाई देख रहे हो बंदे कैसे रुके पड़े हैं, ये सारे जन्माष्टमी भी है और ये लोग शिव जी की कांवड़ वाले कुछ हैं वो लेके जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा, पांचवी दही हांडी कांवड़ यात्रा है इनकी जन्माष्टमी उत्सव पर। ये हम लोग ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पर, ऊपर कोई आई थिंक ये अभी पुल पता नहीं ट्रेन का है या ऊपर से बसें निकल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, बारिश हो रही थी काफ़ी, तो वही देखो बारिश इतनी तेज हो रही थी हम पूरे भीग गए, देख रहे हो भाई, ये देखो ये जूते वूते हमारे और पूरे भीग गए यहाँ पर। रात का बज रहा है करीब 12:30 बज गए, हमने सोचा था 11 बजे तक पहुँच जाएंगे तो पानी ने लेट कर दिया, 40 किलोमीटर रह गया। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, करीब आधा एक घंटा में यहाँ पर रुके हो गया, आधा घंटे के आसपास हम किसी ब्रिज के नीचे रुके। अब क्या है, गोप्रो पर मैं नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि बारिश आ रही, कहीं दिखा ना दे गोप्रो,
आपको बुखार ना आ जाए, बुखार मुझे आ रहा है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, नहीं तो भाई यहाँ पे हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये है भाई, बारिश के मौसम में मज़ा तो आता है कुछ गाड़ी चलाने में, पर यह है कि कई बार हालत बिग जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि एक राइडिंग बूट ले लूँ, साइड पेनियर भी होते हैं ना अगर, तो थोड़ा सा सामान कैरी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमारा बैग रखा उसके अंदर लैपटॉप है, ड्रोन है, तो डर लगता है कई बार लोग भी भड़का जाती है ना। तो बाकी मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं साइड पेनियर भी लेके जाऊँ। तो चलो गाइस, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो गाइस, अब हम निकलते हैं, चलते हैं, ठीक है।